जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन मिसाइल और बम के हमले जब होते हैं तो वो ये नहीं चीनती कि आप रूस के हैं या यूक्रेन के हैं। जी हाँ, हर किसी को जान का बचाने की फिक्र है, और लेकिन इन हालात में भी पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में पाकिस्तानी नागरिक भारतीय छात्रों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया के स्टूडेंट भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल यहाँ से सुरक्षित निकलने की है। दरअसल भारतीय छात्र एम्बेसी के एक फैसले से परेशान है। एम्बेसी कह रही कि आप अपने रिस्क पर बॉर्डर तक आओ, लेकिन यूक्रेन में कर्फ्यू है और बाहर निकलने वालों को गोली मारने का आदेश है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये छात्र बॉर्डर तक कैसे आए। जी हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है जो अभी इस समय गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रही है कि आखिरकार जब यूक्रेन में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप अपने रिस्क पर आना मतलब ये होता है कि अगर आपकी मृत्यु होती है या आपके ऊपर गोलीबारी होती है तो इसमें आपकी जवाबदारी होगी, क्योंकि आप अपने रिस्क पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को जो है देखना होगा, सरकार को सोचना होगा, क्योंकि उन्हें बिना हस्तक्षेप के 15,000 बच्चों को निकाल पाना आसान नहीं है। तो भारतीय बच्चों के अंदर इस बात का काफ़ी खौफ है, और बहुत से बच्चों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी को घेरा भी है कि आखिरकार आप चुनाव प्रचार में इतना व्यस्त हैं कि आप यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए, उनका कहना है कि सरकार ये क्यों कह रही है कि आप अपने रिस्क पर बॉर्डर तक आए, क्या आप यूक्रेन से या रूस से बात करके उन्हें वहाँ से एयरलिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 15,000 बच्चे अगर गए हैं और वहाँ से असुरक्षित हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर बातचीत करे और उन्हें निकाले। यूक्रेन के कीव शहर में ग्वालियर के पवन सोलंकी भी अभी वहाँ फंसे हुए। पवन ने बताया कि एम्बेसी स्टूडेंट्स को अपने रिस्क पर रोमानिया, हंगरी या पोलैंड बॉर्डर पर पहुँचने के लिए कह रही। यहाँ से सबको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यूक्रेन में कर्फ्यू लगा है, किसी को भी देखते शूट एंड साइट का ऑर्डर है। पवन के साथ प्रदेश के 6 से 7 स्टूडेंट्स वहां पर भी फंसे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना होगा कि बच्चों को अपने रिस्क पर आना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, और बच्चे डर के मारे जो है बंकर में अभी भी छिपे हुए हैं। आज के लिए इतना ही।